हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संजय वर्मा स्लैम्स कनाडा। वो दिन गए जब वेस्ट भारत को दबा देता ये मोदी का नया भारत। वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यू कैन नो सी गॉन आर द डेज व्हेन द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज और वेस्टर्न ब्लॉक वुड आस्क अ डेवलपिंग कंट्री यू मस्ट डू दिस एंड दे विल रन आफ्टर देम एंड डू इट। वी आर अ रूल ऑफ लॉ कंट्री। 10 साल मोदी रहा है ना, इंडिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार। आई आल्सो नो दैट सम ऑफ दीस, ये जो कनाडा में थे ये वही हैं, आर डीप एसेट्स ऑफ सीसीस। जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था। और अगर हम दीगर मुमालिक को तो छोटे दोष है, ऐसे इनिशिएटिव देना शुरू कर दें। संजय कुमार वर्मा हैज नाउ सेड दैट द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड इंडिया आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूँ भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे, तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ तो पता नहीं, पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे, दैट इज फॉर श्योर। जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूद नहीं होती। ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से। देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में, इंडिया से बहुत पीछे रह गए। ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए। डू एग्री टू दैट? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त شدید کشیدگی کا شکار। इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, कनाडा की धरती से संजय कुमार वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो को खरी खरी सुना दी है। कनाडा की धरती से, मुझे लगा इंडिया वापस आ गए। इंडिया में से बोल रहे हैं, कनाडा के बारे में नई खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति की तरह काम करते हैं। कनाडा से सीटीवी न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में राजदूत वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजदूत ने कहा कि ये मेरा आरोप है, मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी एजेंसियों की संपत्ति की तरह है। वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा सरकार को भारत की मुख्य चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। संजय कुमार वर्मा ने आगे कहा कि वो दिन गए जब वेस्ट भारत को दबा दिया करता था, ये मोदी का नया भारत है। अगली बात करते हैं जो खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए। तो हु केयर तुम्हें क्या, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो है नहीं, तुम अपने देश का सोचो। अक्टूबर के अंदर ब्रिक्स में कजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूँ कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये तो कोशिश करेगा ही कि उनको तो होगा कि इंडिया जो है वेस्ट के साथ दो दुश्मनी करे, उनको तो यही चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू और इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां। ये चल रहा है बोलने, तुम्हारी कंट्री को तो देखो खुद, अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए ना अदर्स। कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये देयर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए और पढ़ती नहीं है न्यूज़। जब भी गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको, क्योंकि इस देखिए बात ये होती है अगलों की, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, तीसरी होने वाली है। 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो कह रहे मोदी जी अपने टर्म में ही करें, ही इज नॉट गोना टेक दैट लॉन्ग, ही डजंट नो। 47 बोला है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इज गोना बी 2-3 इयर्स। भाई तो मोदी जी के टाइम में होगा नहीं है? चलो 2-3 इयर्स में फोर्थ हो गया, मतलब हो गया। वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडेन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना, इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट,
कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, ये रिपब्लिकन है ना, ऐसा कदम उठा नहीं सकता जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके, ये तो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाया पता नहीं अपना रिपब्लिकन से वाइस लेकिन प्रेसिडेंट जो आ रहा है समझो मोदी साहब का जाना उसकी वाइफ इज इंडियन, बहुत अच्छा कर रहे हैं जा रहे हैं जेडी वेंस की वाइफ जो इंडियन है, इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। तो मैं पता है पाकिस्तान को पता है, साथ-साथ अगर हम देखें कि इजराइल और पाकिस्तान में दो ऑप्शंस में भी एक बार फिर आपने देखा कि हमास का लीडर जो है वो मारा गया है, टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इसराइल के जो है नेतन्याहू उनका भी कहना है कि उन पर अटैक होने मतलब किया जाने की कोशिश की गई है, कोशिश की गई है ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, इसराइल की तरफ से खबर आई है, लेकिन बस खबर जाती नहीं पाकिस्तान में, सारी खबरें तो इन्हीं के पास होती है। सारे वाकया जो इस वक्त लेबनान के अंदर हो रहा है, गाजा के अंदर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसके पीछे है क्या? तुम बताओ तुम किसको सपोर्ट करते हो, इसराइल को कि ईरान को? आपकी तालीम और ये तो पता ही नहीं मुझे। अब्बासियत दौर था इराक के अंदर, जब वो खत्म हुआ अलाकू खान ने जब वहां की लाइब्रेरियन जला दी, उसके बाद आपने साइंस से बायकॉट कर दिया। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कानूनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आके वेपन्स की वजह से बेटे, लेकिन उसके नुकसान आपको क्या है? गन्स। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है, हिंदू थे उस वक्त, तालीम याफ्ता ना होने की वजह यह है कि उसने पहले इंग्लिश पे फतवे दिए, जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा, जो लाउड स्पीकर पे फतवे दिया, इंसान के चांद पे जाने पे बातें की, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हालात यही। आप कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है, लेकिन जिहाद गुरबत के खिलाफ नहीं करनी, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, लफ्ज जिहाद यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल रीजंस। पाकिस्तानियों को की तो सजेशन है या उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि इंडिया के रिलेशनशिप्स बाकी देशों से खराब हों, क्योंकि वो पाकिस्तान को सूट करेगा, तो उनकी बातों को तो हमें सुनना है ही नहीं, हमने वो करना है जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा। और जो ये संजय वर्मा है, अब मेरे ख्याल से वो तो अब इंडिया आ चुके, उनको तो बहुत पहले ही बुला लिया था, तो वो अब बता रहे हैं और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कनाडा ने इंडिया के जो टेररिस्ट हैं उनको रखा हुआ है, वो कनाडा में बैठे हुए इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको अपने फायदे के लिए और अपने ही फायदे के लिए इलीगल कामों के लिए भी रखा हुआ है एज पपेट्स, और उनसे अपने काम कराते हैं। कनाडा में हमारी सिचुएशन स्ट्रांग है बिकॉज दे हैव नो प्रूफ। हाँ, उससे मुझे याद आया, कमेंट सेक्शन में एक वीडियो के अंदर प्रूफ की बातें हो रही थी, कई लोगों को वो क्लियर नहीं हुई, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में वो वीडियो था, मेरे ख्याल से खान सर का वीडियो था, तो उसके अंदर जब मैंने बात की थी, मैंने बात ये की थी कि कनाडा के पास प्रूफ नहीं है, कनेक्शन नहीं कर पाए वो कि जो मरवाया है निज्जर को वो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है या इंडिया ने किया, उनके पास प्रूफ नहीं है। पर अब दूसरा बात मैंने ये की थी कि यूएसए के पास प्रूफ है, उनके पास ठोस सबूत हैं कि पन्नू के को खत्म करने के लिए जो किया था वो उसका कनेक्शन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के का मिला है, क्योंकि वो रॉ एजेंट जो था उसका मिल गया था एग्जैक्टली। पर क्योंकि यूएसए जो है वो अपने रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ खराब नहीं करना चाहता, तो जब इंडिया ने बोला, अब इंडिया ने अपने लोगों को यहां पे भेजा यूएसए में, उन्होंने यूएसए ने प्रूफ दिखाए, तो जब उनको ये दिखा कि हाँ ठोस सबूत हैं इनके पास, तो इंडिया ने फिर ये स्टैंड लिया कि भैया ये जो बंदा है रॉ का एजेंट, इसको हमने रॉ से निकाल दिया, उसको एक्स रॉ एजेंट बना दिया, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हमारे अब गवर्नमेंट से। तो यूएसए ने कहा कि हमें रिलेशनशिप्स तो नहीं बिगाड़ने पन्नू की वजह से इंडिया के साथ, एक कंट्री के साथ, उन्होंने वो कहा कि अच्छा ठीक है हाँ वी आर सेटिस्फाइड, तुमने वो एक्स एजेंट है, वो इंडिया का कनेक्शन नहीं है सच, वो उसने इस आदमी नहीं जो एक्स रॉ एजेंट था उसने कराया, वो उसको कहा कि भैया इस काम को जैसे बोलते ना रफा दफा कर दो, हमने रिलेशनशिप्स इंडिया से नहीं
नहीं बिगाड़ने, पर यूएसए के पास प्रूफ थे और प्रूफ की वजह से ही इंडिया को ये स्टेप्स लेने पड़े कि एक रॉ के एजेंट को जॉब से निकाल के अब उसको जेल में, दिल्ली के जेल में डाला हुआ है। तो ये बात मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मुझे लग रहा है कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया और कहते नहीं कोई यूएस कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ यूएसए के पास है, कैनेडा के पास नहीं है, यूएसए के पास पन्नू से रिलेटेड है, अखिल गुप्ता ने पैसा दिया था एफबीआई को, वो सब उनके पास सीधा पकड़ा गया वो। और वो बहुत दुख की बात थी, तो वही हम उसके बारे में बात कर रहे थे, और कनाडा के पास नहीं है, और इसलिए अभी हम इसलिए जो है संजय वर्मा उनको बता रहे हैं कि भैया तुम हमें एक्यूज कर रहे हो, तुम लोगों ने जिसको रखा हुआ है वो। इसका आंसर सिर्फ ये है कि अगली बार ऑपरेशन और अच्छी तरह से करना चाहिए। और तब मैं ये बोल रही थी, इससे ये पता चल रहा है कि भैया इंस्टेड ऑफ कि रॉ के लोगों को हम भेजें ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए जिससे वो कनेक्शन ढूंढ पाए इजीली, हमें जो है बिश्नोई टाइप, लॉरेंस बिश्नोई टाइप जो है ऐसे जो लोग हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए उनको यूज करना चाहिए बाहर कंट्रीज में ऑपरेशन करने के लिए। और फिर रॉ जो है वो अगर वो कर रहा है तो उसको इतने लेयर्स में करना चाहिए कि रॉ तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि इसमें रॉ का एजेंट था, फिर वो दूसरा बंदा था जो यूएसए में रहता था, और दैट वॉज इट। सो चेन जो थी वो लंबी नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी से कनेक्शन मिल गया हमारे रॉ के एजेंट के साथ। अगर बहुत सारी लेयर्स होती है ना और टेडी मेडी होती है और कहीं पे फुल स्टॉप हो जाता तो वो कभी इतना इजीली पहुंच नहीं पाते, और कनाडा की तरह हम यूएसए को भी वैसे ही ट्रीट कर पाते। पर एनीवे, अभिषेक और अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।